बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद है। ताज़ा मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के इंदिरा कॉलोनी का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक व्यवसायी को गोली मार कर हत्या कर दी। बता दें कि व्यवसायी अपने घर में खाना खा रहा था, तभी बेखौफ बदमाश घर में घुसकर युवक को गोली मार कर फरार हो गए। सरेआम हुई हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। हुआ गया है था कि पहले पुलिस को खबर किया गया, पुलिस के आने के बाद फिर सब लोग अंदर आया है, देखा है कि एक बुलेट पड़ा हुआ है वहाँ पर, उनके सिर में गोली मारा गया है। कौन लोग आए थे, कुछ सूचना मिला है? सूचना अभी तक के ऐसी हमको कोई जानकारी नहीं है, उनके बीवी के कहने पर हम लोग देखने यहाँ पर आए थे। क्या पता चला? पता चल रहा है कि अंदर साथ में कुछ साथी वगैरह आए हुए थे इनके? हो भी सकता है, परिस्थिति जो स्थिति है वो देखने से तो प्रथम दृष्टया ये पता चलता है कि कोई विश्वास में लेकर के साथ में सो करके सट करके। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जांच में जुटी। यहाँ पे एक मर्डर हो गया है, उसके हम लोग तहकीकात कर रहे हैं, हर बिंदु पे अनुसंधान कर रहे हैं। हम लोग एफएसएल की भी टीम को बुला रहे हैं, जैसे कुछ जानकारी होगी अपडेट होगा आप लोगों को बताया जाएगा। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी बताना मुश्किल है यार, यही प्रथम दृष्टया है कि एक आदमी की हत्या हुई है जो यहाँ के प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, उस पर हम लोग देख रहे हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आग्रह है कि मैंने विनम्रतापूर्वक है कि चीज को जो है कि पीओ को जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाए, ताकि हम लोग आगे जो है कि स्पेशल टीम से सहूलियत हम लोग को मिल सके। थैंक यू। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपराधियों की तलाश में जुट गई। पुलिस आश्वासन दे रही है कि जल्द ही सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन सरेआम घर में घुसकर की गई हत्या के बाद कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मुजफ्फरपुर से संतोष तिवारी की रिपोर्ट।